आपके घर में भी आरओ फिल्टर लगा है या आप आरओ फिल्टर खरीदने की सोच रहे हैं? भैया पहले ये वीडियो देख लो। तो कुछ ही समय पहले न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि WHO ने वार्निंग दी है कि भैया आरओ का पानी आपकी सेहत खराब कर सकता है। अरे क्या सही है ये बात है? ये सही है बात? आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस एक तरीका है पानी को फिल्टर करने का, पानी में मौजूद कीटाणु और गंदगी को साफ करने का। और पीने के पानी को साफ करने के लिए आरओ फिल्टर्स आजकल घर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। आरओ फिल्टर से पानी पीने वाले लोगों को कहीं और का पानी नहीं जमता, क्योंकि आरओ से निकलने वाला ये पानी काफी मीठा और टेस्टी लगता है। लेकिन सवाल ये है कि इस मीठे पानी से हमें क्या नुकसान हो सकता है? पानी में मौजूद गंदगी को निकालने के साथ साथ ये आरओ पानी में मौजूद मिनरल्स जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं को भी निकाल देता है। इससे फिल्टर होके पानी इतना साफ हो जाता है कि इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे कई सारे ज़रूरी मिनरल्स साफ हो जाते हैं, और यही एक कारण है कि आरओ का पानी हमें मीठा लगता है। आपने कभी TDS मीटर का नाम सुना है? पानी में मौजूद मिनरल्स और बाकी सॉलिड्स को एक TDS मीटर से नापा जाता है। TDS यानी कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट्स, और ये TDS मीटर हमें ये बताता है कि पानी में कितनी सॉलिड चीज़ें मौजूद हैं। पीने के पानी का TDS ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो भारत में इन सब चीज़ों का स्टैंडर्ड तय करती है, उनके मुताबिक पीने के पानी का TDS 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम ही होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ WHO के मुताबिक अगर आप 100 मिलीग्राम पर लीटर TDS से कम का पानी पीते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और आपको पता है ज़्यादातर आरओ फिल्टर पानी का TDS 100 से कम ही होता है। हमारे शरीर में होने वाले कई कामों के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और पानी में मिनरल्स की कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर होने, ज़्यादा थकान महसूस करने, पैदा हुए बच्चों का कम वज़न होने और दिल की बीमारियाँ जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज़ की गई एक रिपोर्ट में ये सब बताया गया है। लेकिन अगर आप ये रिपोर्ट ना भी देखते तब भी आप ये सोच सकते हैं कि बिना मिनरल्स के हमारा शरीर कैसे काम करेगा, और मिनरल्स की कमी होने से दिक्कत तो होगी ना। मुझे पता है अब आप क्या सोच रहे हैं कि पानी से ही थोड़ी ना मिनरल्स मिलते हैं, ज़्यादातर मिनरल्स तो खाने से मिलते हैं, हम तो खाने में ले लेंगे। देखा गया है कि कम TDS वाले पानी में कम सॉलिड्स होने की वजह से बाकी के सॉलिड्स को खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसीलिए जब ये पानी शरीर में जाता है तो शरीर में मौजूद मिनरल्स को भी खींच लेता है और यूरिन के द्वारा बाहर फेंक देता है। WHO की इस रिपोर्ट में इंसानों और जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स द्वारा ये पता लगाया गया है कि 100 या उससे कम TDS वाले पानी को पीने से ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा यूरिन आता है, और इसी वजह से ज़्यादा मिनरल्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब पानी पी के तो मिनरल्स मिले ही नहीं, हमारे शरीर में जो मिनरल्स मौजूद थे वो भी बाहर निकल गए। इतना ही नहीं, ये भी देखा गया है कि अगर आप कम TDS वाले पानी से, ये जो कम मिनरल वाला पानी है, इससे खाना बनाते हैं, खाने में डालते हैं, तो ये खाने में मौजूद मिनरल्स की मात्रा को भी कम कर देता है। मतलब आरओ ने तो मचा रखी है। वैसे ही आजकल की डाइट में मिनरल्स की मात्रा कितनी कम होती है, ऊपर से अगर पानी से भी निकल जाए, खाना बनाते समय खाने से भी कम हो जाए, तो क्या ही करना है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि WHO 100 मिलीग्राम पर लीटर से कम TDS के पानी को पीने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। और अगर आप इस परेशानी को सुलझाना चाहते हैं तो आप अपने आरओ फिल्टर का TDS एडजस्ट भी करवा सकते हैं, जो कि 500 से कम और 100 से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ कई लोग अपने आरओ फिल्टर में रीमिनरलाइज वाला सिस्टम लगवा लेते हैं, जिससे कि जो मिनरल्स हैं, जो ज़रूरी मिनरल्स हैं, वो ऊपर से ऐड किए जाते हैं। लेकिन इस बात का कोई प्रूफ मौजूद नहीं है कि इससे हमारे अंदर जो मिनरल्स की कमी है उसकी पूर्ति होगी या नहीं। आपको पता है पानी को साफ करने का बेस्ट तरीका क्या है? उसको उबाल कर पीना, क्योंकि जब आप पानी को उबालते हैं तो उसमें मौजूद कीटाणु और गंदगी अपने आप ही साफ हो जाती है। आरओ का पानी पीने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे पीने के बाद हमारा शरीर
बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करता। आपको पता है जब मैं WHO की रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने ऋग वेदा का जिक्र किया हुआ था, मतलब मॉडर्न साइंस भी ये जो हज़ारों साल पुरानी किताब हमारी ऋग वेदा है जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है उसको भी वो लोग एक स्टैंडर्ड की तरह लेकर चलते हैं। तो ऋग वेदा में ये लिखा गया है कि पानी साफ होने के साथ साथ उसमें जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो मौजूद होने चाहिए, सॉल्ट्स मौजूद होने चाहिए। और अगर आप देखें तो पुराने समय में हम पानी को कैसे साफ करते थे, लोग पानी को उबाल कर पीते थे या तो तांबे के बर्तन में पीते थे या घड़े में पीते थे, और कुछ ना कुछ साइंस ज़रूर होगी इनके पीछे की भी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न का भी जवाब ढूंढूं कि पानी को कैसे पीना चाहिए, उसको साफ़ कैसे करना चाहिए, क्या बेस्ट तरीका है पानी पीने का और उसको साफ़ करने का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी आपको कमेंट देना पड़ेगा। और क्या, अच्छा वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना, वीडियो को लाइक कर दो। नहीं, अच्छा और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा सॉरी, आप कहना चाह रहे हो कि पता कैसे चलेगा कि वीडियो आ गई है कि नहीं, उसके लिए आपको घंटी दबानी पड़ेगी, और घंटी दबाए बिना तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना यार, ऐसे एकदम से चले जाना, किसी की वीडियो देखी है तो घंटी तो दबा के जाओ ना। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। क्या आपके भी घर में आरो फिल्टर है या आप आरो फिल्टर खरीदने की सोच रहे हैं? इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा,